गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आज का टॉपिक हमारा है सिलेक्शन। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रिक्रूटमेंट पढ़ा था कि रिक्रूटमेंट में क्या क्या होते हैं, रिक्रूटमेंट के किस तरीके से सोर्सेज होते हैं, रिक्रूटमेंट के इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है, और कॉमन मेथड क्या क्या था रिक्रूटमेंट के। आज हमारा इसका नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या सिलेक्शन। ठीक है, तो अब सिलेक्शन एक क्या होता है, सिलेक्शन कैन बी डिफाइंड एज डिस्कवरिंग मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट टू फिल अप द वैकेंट जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो सिलेक्शन एक ऐसा, इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ये डिस्कवर करता है कि मोस्ट प्रॉमिसिंग मतलब कौन सबसे बेहतरीन, ठीक है, और सुटेबल कैंडिडेट है जो उस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब को फिलअप कर सके। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, एज इन रिजल्ट ऑफ रिक्रूटमेंट फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन रिसीव लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस बिगिन एट दिस स्टेज बाय स्क्रीनिंग द एप्लीकेशन। जैसे रिक्रूटमेंट का प्रोसेस खत्म होता है तो सिलेक्शन हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो कैसे स्टार्ट होता है, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, तमाम जितने भी एप्लीकेशन आते हैं, जितने भी लोगों के रिज्यूम बायोडाटा आता है, उसमें से हम लोग क्या करते हैं, उसकी शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं कि छांटते हैं कि कौन सा हमारे पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है उसी में से उसको हम क्या करेंगे, उसको अपने पास रखेंगे। देन आफ्टर क्या होता है, इन सिलेक्शन, ठीक है, इन सिलेक्शन, तो इन सिलेक्शन में क्या होता है कि इन सिलेक्शन क्या होता है कि कैंडिडेट्स को हम क्या बायोडाटा क्या करते हैं, उसको हम रिज्यूम को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं कि जो हमारे उससे कौन कौन सा जो हमारे जॉब के अकॉर्डिंग के जो मैच कर रहा है। तो हम क्या कहते हैं कि सिलेक्शन क्या होता है, इस कंसीडर नेगेटिव प्रोसेस। जाहिर सी बात है कि अब मान लीजिए कोई पोस्ट निकली, ठीक है, उसके लिए तमाम लोग अप्लाई कर रहे हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 200 300 400 रिज्यूम हो गया, तो जिस पोस्ट के लिए हमें कैंडिडेट चाहिए ऐसा तो सभी उसी लायक होंगे, उसी कैपेबिलिटी होगी उनकी, तो उसमें से हम स्क्रीनिंग करते हैं, छांटते हैं कौन बेस्ट होगा, उसमें 10 20 50 जो भी निकाल लिए उसमें से हम क्या करेंगे, उसमें से तब इंटरव्यू लेंगे, बाकी लोगों क्या करेंगे रिजेक्ट कर देंगे। तो पहला हमारा क्या, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग क्या होता है, इलिमिनेट अनक्वालिफाइड एंड मिसफिट कैंडिडेट बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन सप्लाइड इन एप्लीकेशन। वही जो कह रहा है, जो लोग वो जॉब को समझ नहीं पाए या उससे जॉब से मैच नहीं कर रहे हैं, तो उनको क्या करेंगे, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग को अलग कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिलेक्शन टेस्ट करेंगे। सिलेक्शन टेस्ट क्या होता है, दिस ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर टू कंडक्ट रिटन और फाइंड आउट प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ कैंडिडेट। तो रिटन टेस्ट लेते हैं, किसे देखते हैं कैंडिडेट कितना प्रैक्टिकल नॉलेज है। द टाइप ऑफ टेस्ट टू बी कंडक्टेड डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन कैसी रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से क्या करते हैं, उसमें ये कंडक्ट होता है। द कंपनीज कैन गो फॉर द ओन टेलर मेड टेस्ट। द कंपनी क्या करती है, अपना खुद का ही अपना एक टेलर, ओन टेलर के मतलब खुद का अपने डेवलप करती है, कंटेस्ट बनाती है, क्रिएट करती है, ताकि जो हम कैंडिडेट्स को हम जो हायर कर सकें अपने लेवल पर, अपने बेसिस पर कर सकें। ठीक है, तो अब कॉमन टेस्ट क्या है जो ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करती है। पहला हमारा क्या है, ये क्या है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। ठीक है, इंटेलिजेंट टेस्ट है, इंटेलिजेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये अक्सर एग्जाम पूछ भी देता है ये आपका। ठीक है, तो ये देखिए इसमें क्या है, इंटेलिजेंट टेस्ट क्या होता है, दिस काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज्ड टू मेजर द लेवल ऑफ क्या है, लेवल ऑफ लिखा है प्रिलिमिनरी सिलेक्शन टेस्ट, ये सर इंटेलिजेंट टेस्ट पढ़ रहे थे ना, दिस काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, क्वेश्चन आईक्यू चेक करता है इंडिविजुअल का, इट इज़ अ इंडिकेटर ऑफ जजिंग अ पर्सन एबिलिटी टू टेक डिसीजन जजमेंट। मतलब जो कैंडिडेट की क्या जजमेंट है, कितनी जल्दी डिसीजन ले सकता है, उसका आईक्यू लेवल चेक किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या, एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें क्या करता है ऑर्गेनाइजेशन, क्या करता है कि जो कैंडिडेट्स लेते हैं, दिस टेस्ट कंडक्ट फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ लर्निंग न्यू जॉब कैंडिडेट। कैंडिडेट कितनी जल्दी नए जॉब को वो ग्रैब कर लेता, समझ सकता है। हाउ क्विकली कैंडिडेट कैन लर्न न्यू स्किल्स एंड न्यू मेथड, कैसे न्यू मेथड में स्किल्स समझ सकता है, इसको एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, इससे समझ में आता है कैंडिडेट्स का क्या परफॉर्मेंस होगा फ्यूचर में। नेक्स्ट क्या हमारा, पर्सनैलिटी टेस्ट। इसमें क्या होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट कंडक्टेड टू फाइंड आउट ह्यूमन बिहेवियर। एक तरह इसका क्या है, ह्यूमन बिहेवियर चेक करता है। ठीक है, ऑफ द कैंडिडेट, दिस टेस्ट रिलेट टू इंटेलिजेंस एप्टीट्यूड एटीट्यूड इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स। ठीक है, ये तमाम चीज़ होते हैं। द साइकोलॉजिकल टेस्ट हेल्प फाइंडिंग आउट अप्रोच ऑफ द कैंडिडेट, वेदर
कैंडिडेट इज़ हैविंग पॉजिटिव और निगेटिव अप्रोच, ठीक है, कैंडिडेट का पॉजिटिव अप्रोच है, निगेटिव अप्रोच है जॉब के टूवर्ड्स, ठीक है, वो कितना इनिशिएटिव ले रहा है, कितना नहीं ले रहा है, किस तरह काम कर रहा है, ये तमाम चीज़ इसमें आती हैं, ठीक है। तो द मोटिवेशन लेवल ऑफ कैंडिडेट ऑल्सो टेस्टेड थ्रू साइकोलॉजिकल टेस्ट, इस साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू भी चेक किया जाता है कि कैंडिडेट कितना मोटिवेट है। उसके बाद ट्रेड टेस्ट आता है, ट्रेड टेस्ट क्या होता है, ट्रेड टेस्ट, दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू चेक द एग्जिस्टिंग स्किल्स ऑफ इंडिविजुअल, उस इंडिविजुअल की एग्जिस्टिंग स्किल कितनी है ये चेक करना रहता है, ठीक है। इट हैज़ टू फाइंड द लेवल ऑफ नॉलेज एंड प्रोफेशनसी इन द एरिया प्रोफेशन एंड टेक्निकल ट्रेनिंग। ट्रेड टेस्ट क्या कहता है कि उसकी एग्जिस्टिंग स्किल कितनी है और उसकी कितना नॉलेज कितनी है, उसकी प्रोफेशनसी कितनी एरिया में उसमें, ठीक है, तमाम चीज़ में टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें, अब इसमें एक और चीज़ लिखा है इसमें कि डिफरेंस बिटवीन ट्रेड टेस्ट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट इज दैट ट्रेड टेस्ट हैज आइडेंटिफाइड प्रेजेंट स्किल ऑफ पर्सन। ट्रेड टेस्ट क्या देखता है कि कैंडिडेट का प्रेजेंट स्किल कितना है कैसा है, जबकि एप्टीट्यूड टेस्ट क्या मेजर देखता है, ये उसकी एबिलिटी चेक करता है कि फ्यूचर में किस तरीके से होगा। ट्रेड हमारा प्रेजेंट के लिए होता है, एप्टीट्यूड फ्यूचर के लिए होता है। इंटरेस्ट टेस्ट क्या होता है, कंडक्ट करता है, जिससे क्या होता है कि कैंडिडेट उस जॉब में कितना इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है, जो और लोग कितने लोग कर रहे हैं, कितना इंटरेस्ट ले रहा है, ये भी एक चेक किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या हमारा, उसके जो ये दोनों जो पास हो जाते हैं, कैंडिडेट पास हो गया, तो उसके बाद एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू क्या होता है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू मतलब कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द टेस्ट आर कॉल्ड फॉर सेलेक्ट इंटरव्यू, तब इंटरव्यू क्या करते हैं उसको हम लोग बुलाते हैं, ठीक है। कंडक्ट द फाइनल इंटरव्यू पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, पैनल फाइनल जो इंटरव्यू होता है, तमाम एक्सपर्ट बैठे होते हैं, वो इंटरव्यू लेते हैं। द कंसल्टेंट हु आर स्पेशलाइज्ड इन द फील्ड आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द कैंडिडेट टू टेस्ट हिज प्रोफेशनल और स्पेसिफाइड नॉलेज रिलेटेड टू द जॉब। अब उसकी जो पर्टिकुलर क्या नॉलेज थी, जो चीज़ पढ़ करके आया, जिस चीज़ के लिए जॉब अप्लाई किया है, वो एक्सपर्ट उससे ही पूछते हैं, उससे पर्टिकुलर। द इंटरव्यू हैज़ मैनी एडवांटेज ओवर रिटन टेस्ट बिकॉज इंटरव्यूज यू कैन फाइंड आउट द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ द कैंडिडेट अलॉन्ग विद द प्रोफेशनल नॉलेज। तो इंटरव्यू से एक एडवांटेज ये होता है कि रिटन टेस्ट ज़्यादा फायदा ये होता है, रिटन टेस्ट से ज़्यादा ये फायदा इंटरव्यू होता है कि उससे कैंडिडेट कितना कम्फर्टेबल हाई है, कितना उसकी प्रोफेशनल नॉलेज मालूम है। इंटरव्यू गिव चांस टू कैंडिडेट आल्सो क्लेरिफाई द क्वेरीज रिगार्डिंग द वर्किंग कंडीशन पोस्टिंग। इंटरव्यूज क्या होता है कि हमारा कैंडिडेट कल को सेलेक्ट हो गया, तो इससे पता चलता है कि आपकी वर्किंग कंडीशन क्या होगी, आपकी पोस्टिंग कहाँ पर होगी, तमाम चीज़ें ये सब बताया जाता है। उसके जब कैंडिडेट पास हो जाता है, तब उसको हम लोग क्या करते हैं, चेकिंग रेफरेंस बैकग्राउंड। जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट 5 साल कहीं काम किया है, अब वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई कर रहा है, तो उसके बायोडाटा के रिज्यूम में लिखा होता है कि उसका रेफरेंस नंबर देना होता है कि जहाँ पर आप काम कर रहे हैं। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उनके पिछले ऑर्गेनाइजेशन में कॉल करके पूछती है कि इस बंदे का रिकॉर्ड कैसा था, ऐसा तो नहीं एब्सकॉन्डिंग रिकॉर्डिंग भाग गया था, ये इसका परफॉर्मेंस ख़राब है, ये तमाम चीज़ें चेकिंग रेफरेंस बैकग्राउंड में होता है, ठीक है। उसके करेक्टर चेक किया जाता है, किस टाइप कैंडिडेट्स था, ठीक है। उसका सिलेक्शन, उसका कैंडिडेट क्या करते हैं, उसको द कैंडिडेट हु पास द टेस्ट इंटरव्यू रेफरेंस चेक इंक्लूड सिलेक्शन लिस्ट द मैनेजर सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फ्रॉम लिस्ट। तब जा कैंडिडेट क्या करते हैं, इस कैंडिडेट को फाइनली क्या होता है, सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, तो मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट करता है, उसकी मेडिकल फिटनेस चेक करता है, ठीक है। अगर इसमें भी गड़बड़ हो गया तो भी तभी रिजेक्ट हो सकता है। तो लास्ट फाइनल एग्जामिनेशन मेडिकल एग्जामिनेशन तक ही टेस्ट पूरा होता है, ठीक है। उसको बकायदा किसी हॉस्पिटल भेज देते हैं उसका मेडिकल टेस्ट कराने के लिए। लास्ट में क्या होता है, उसको जॉब ऑफर दिया जाता है। जॉब ऑफर क्या होता है कि आप अपॉइंट हो गए हैं, फला डेट को आप ज्वाइनिंग करेंगे, आपकी जॉब कंडीशन क्या क्या है, ये सब है, आपकी सैलरी कितनी, तमाम सब चीज़ें बता दिया जाता है। जब वो बंदा उस दिन पहुँचता है तो उसको तब अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या देख लीजिए, पढ़ लीजिए, व्हेन कैंडिडेट एक्सेप्ट जॉब ऑफर इट रेफर्स टू साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वो कैंडिडेट क्या करता है, उस पर एम्प्लॉयमेंट सिग्नेचर करता है, ठीक है, कि आपको तमाम आपको डॉक्यूमेंट्स देना होता है जो आपका पिछला रिकॉर्ड्स है, ठीक है। उसमें बताते हैं कि आपकी क्या क्या ड्यूटीज़ होगी, आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपको कितने घंटे काम करना पड़ेगा, लीव पॉलिसी क्या होगी, क्या क्या डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है आपके खिलाफ अगर गलत काम करेंगे, आपका प्रोबेशन पीरियड क्या होता है। प्रोबेशन पीरियड मतलब क्या होता है, जैसे कैंडिडेट 6 महीना काम कर लिए तब उसको कंफर्मेशन देते हैं कि आप कंपनी के अंदर आप परमानेंट काम कर सकते हैं। शुरू के 6 महीना साल भर तक जनरली क्या होता है, कंपनी प्रोबेशन पीरियड रखती है, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो कंपनी उनको निकाल भी सकती है। इसलिए ये चीज़ होता है।
तो ये आपका देख लीजिए, ये बकायदा एक फिगर बना हुआ है किस तरह कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है। सब प्रिलिमिनरी होता है, देखिए प्रिलिमिनरी इंटरव्यू ओके हो गया तो आगे यस हो गया, तो अगर नहीं होगा तो सीधे कहाँ पर आ गया, रिजेक्ट। कैंडिडेट यहाँ पर क्या होगा, रिजेक्ट हो गया। देखिए फिर अगर ये पास कर लिया तो टेस्टिंग हुई, टेस्टिंग में क्या होगा, टेस्ट ओके तो फाइनल इंटरव्यू होगा, नहीं होगा तो टेस्ट रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आकर के फाइनल ओके इंटरव्यू हो गया तो नीचे आया, इंटरव्यू ओके देन आगे बढ़ेगा, नहीं होगा तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसी करते करते लास्ट में देखिए मेडिकल तक टेस्ट होता है बकायदा। अगर मेडिकल में फेल्योर हो गया तो इसको यहाँ तक रिजेक्ट किया जा सकता है, अदरवाइज इसको जॉब ऑफर दे करके ये इसका सिलेक्शन पूरा हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये था हमारा आपका क्या है, एक सिलेक्शन प्रोसेस था, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट अपना टॉपिक शुरू करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक यू।